हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। इस एक्ट में हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के, क्या राइट्स मिले हैं कंज्यूमर्स को, और फिर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में कि क्या होती है ये काउंसिल्स और ये काउंसिल्स कैसे वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज रिपील्ड आफ्टर 3 decades एंड रिप्लेस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले जो एक्ट था वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि अब रिपील हो चुका है, लैप्स हो चुका है। ये एक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इसको रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। सो 86 वाला एक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से लैप्स हो चुका है और उसकी जगह नया एक्ट आ गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 वाज पास्ड इन लोकसभा ऑन 30 जुलाई 2019 एंड इन राज्यसभा ऑन अगस्त 2019। सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 था वो सबसे पहले 30 जुलाई 2019 में लोकसभा में पास हुआ। दैट लोकसभा जो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, सबसे पहले बिल वहाँ से पास हुआ। देन 6 अगस्त को ये बिल राज्यसभा से पास हुआ, जिसको कि अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। उसके बाद 9 अगस्त 2019 में इस बिल को प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली और इस तरह से ये एक एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली जो ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ वो 20 जुलाई 2020 को ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। The Consumer Protection Act 2019 has been enacted with the view to widen the scope of consumer rights and cover the field of e-commerce, direct selling, teleshopping and other multi-levels of marketing in the age of digitization. ये जो नया Consumer Protection Act है 2019 का, इसका scope wider है और इसमें जो e-commerce है, direct selling, teleshopping, जो भी online buying and purchase के माध्यम है उनको भी ऐड किया गया है इस नए बिल में। 1986 का जो बिल था, एक्ट था, उसमें ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो थे, जहाँ जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ोन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जिसके थ्रू हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, पुराने वाले एक्ट में इनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे 86 में तब ई कॉमर्स नहीं था एग्जिस्टेंस में। बट नए एक्ट में इन ऑनलाइन जो माध्यम है परचेज के, सेल के, उनको भी इस एक्ट में शामिल किया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो नया एक्ट है 2019 का, ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी ये जो एक्ट है ये अप्लाई होता है। आगे हम देखते हैं कि कंज्यूमर कौन होते हैं, किनको कंज्यूमर माना गया है अंडर 2019 एक्ट। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द 2019 एक्ट, कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु बायज गुड एंड और अवेल एनी सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स को बाय करता है या सर्विसेज अवेल करता है फॉर ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब किसी चीज़ के बदले में, जैसे पैसे दे के वो गुड्स बाय करता है या सर्विसेज अवेल करता है। तो एंड इंक्लूड्स एनी यूज़र, और इसमें जो भी यूज़ करता है उस प्रोडक्ट को, उसको यूज़र कहते हैं, उसको इंक्लूड किया गया है कंज्यूमर की डेफिनेशन में। एक्सेप्ट किसको कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया? एक्सेप्ट फॉर द पर्सन हु हैज़ अवेल्ड सच सर्विसेज और गुड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल और कमर्शियल यूज़। सो वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, अवेल करते हैं फॉर रीसेल पर्पज़ या फॉर कमर्शियल यूज़, मतलब बिजनेस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, प्रॉफिट पर्पज़ के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, उसको आगे सेल कर देते हैं, उनको कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। The explanation to the definition specifically states that the expressions buy any goods and hire or avail any services include all online transactions conducted through electronic means or direct selling or teleshopping or multi-level marketing. जब हम कंज्यूमर की डेफिनेशन को, जब कंज्यूमर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है, तो उसमें ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय की जाती है या अवेल की जाती है, तो वो जो ऑनलाइन गुड्स बाय करते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स जो होता है, या जो टेली शॉपिंग के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज अवेल की जाती है, वो भी इस
डेफिनेशन में आती है, वो वाले जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 2019 के अंडर में आते हैं. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ दिस एक्ट. सो इस एक्ट का जो एक्सक्लूसिव फीचर है वो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. पहले 1986, जैसे मैंने आपको बताया कि 1986 वाले एक्ट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, बट इस एक्ट में इसको स्पेसिफिकली इसको मैंशन किया गया है कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो ऑनलाइन कंज्यूमर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, वो भी इस एक्ट में कवर किए जाएंगे, उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा इस एक्ट के अंदर. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है और ये कैसे डिफरेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, इसके बारे में हम देख पढ़ते हैं. तो फर्स्ट इज इट कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एंड टेली शॉपिंग. तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 1986 वाले एक्ट में ई कॉमर्स और टेली शॉपिंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, बट ये एक्ट इन दोनों को कवर करता है. सेकेंड, कंज्यूमर कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड एट अ प्लेस वेयर कंप्लेनेंट रिजाइड्स और वर्क. 1986 वाले एक्ट में क्या होता था कि जहाँ पे सेलर होता है, जहाँ पे उसका ऑफिस होता है या जहाँ पे उसकी शॉप होती है, वही प्लेस पे जाके कंज्यूमर जो था उसी प्लेस पे जाके या उसी सिटी पे जाके, उसी स्टेट में जाके कंज्यूमर जो था वो कंप्लेंट फाइल कर सकता था. बट नए एक्ट में अब ये एक नया प्रोविज़न है कि जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है वो अपनी जगह से भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है. कंप्लेनेंट होता है जो कंप्लेंट करता है, जो कंज्यूमर कंप्लेंट करता है उसको कंप्लेनेंट कहते हैं. तो नए एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है कि कंप्लेनेंट जहाँ पे रहता है, जिस जगह वो रहता है, वो वहीं से कंप्लेंट फाइल कर सकता है. देन थर्ड इज ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स इज इंक्लूडेड. अब ऑनलाइन माध्यम के थ्रू भी कंप्लेनेंट जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है. हियरिंग ऑफ केस कैन बी डन ऑनलाइन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. और जो केस की हियरिंग होती है वो कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो जाती है. तो ये भी एक नया फीचर है इस नए एक्ट का. डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, पहले उनमें क्या होता था कि जिन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 20 लाख तक होती थी उनकी हियरिंग होती थी, उनका केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा जाता था. बट अब जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो अब 1 करोड़ तक बढ़ा दी गई है. तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1 करोड़ की वैल्यू की गुड एंड सर्विसेज जो है वो उनका केस हैंडल होता है. स्टेट कमीशन में अब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनके केस देखे जाते हैं. पहले ये लिमिट 20 लाख से 1 करोड़ तक की थी, अब ये लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है. नेशनल कमीशन में अबव 10 करोड़ के केसेस जो होते हैं, गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिनकी 10 करोड़ से ऊपर है, वो केसेज अब नेशनल कमीशन में देखे जाते हैं, नेशनल जो कोर्ट है उनमें देखे जाते हैं. देन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड. तो ये एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि इस नए एक्ट में इस्टेब्लिश की गई है. दिस अथॉरिटी कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर्स, रिकॉल द प्रोडक्ट और विड्रॉल ऑफ सर्विसेज एंड फाइल केसेस एट डिफरेंट फॉरम्स. सो ये जो नई अथॉरिटी बनी है इस नए एक्ट में, 2019 के एक्ट में, इस अथॉरिटी के पास बहुत सारी पावर्स दी गई है. इस अथॉरिटी को बहुत सारी पावर्स दी गई है. ये जो कंज्यूमर के जो मैटर्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. अगर उनको लगता है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट को मार्केट से हटवा सकते हैं, या सर्विसेज को विड्रॉ करा सकते हैं, या डिफरेंट फॉरम में कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं. तो ये भी एक नया फीचर आया है इस नए एक्ट में. देन कंज्यूमर कैन गेट कंपनसेशन फॉर एनी हार्म आफ्टर द यूज़ ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द सेलर्स. तो अब जो कंज्यूमर है, अगर कोई प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, इन सर्विसेज अवेल करने के बाद उसको कोई हार्म होता है, कोई नुकसान होता है, तो अब उसके लिए कंपनसेशन का प्रोविज़न है. वो सेलर से उसको कंपनसेशन मिल सकती है. ये एक नया प्रोविज़न इस नए एक्ट में ऐड हुआ है. देन नेक्स्ट इज मीडिएशन सेंटर हैज़ बीन इस्टेब्लिश फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन विद ऑल फॉरम. अब जो ये जो भी कोर्ट बनाया गया, जो फॉरम बनाई गया, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन में, यहाँ पे मीडिएशन सेंटर्स भी बनाए गए हैं. मीडिएशन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बैठ के आप कह सकते हो कि एक तरह की आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं. कोर्ट में जाने से पहले वो यहाँ पे भी आमने सामने बैठ के सेटलमेंट कर सकते हैं. तो ये एक नया प्रोविज़न भी इस नए एक्ट में शामिल किया गया है. कोर्ट्स कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन. कोर्ट भी इन मीडिएशन सेंटर्स के थ्रू सेटलमेंट को रेफर कर सकता है. तो ये थे कुछ नए फीचर्स जो नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 एक्ट में दिए गए हैं. आगे हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है.
सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. सो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का वो है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड टू एस्टैब्लिश अ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. अगर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो जाती है, अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाता है, कोई उनके साथ कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, तो इस तरह का उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि जो उनके जो उनकी ग्रेवेंसीज है उनको सेटल कर सके, उनको इंसाफ दिला सके. तो ये भी एक जो है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. सो द एक्ट एम्स टू, फर्स्ट वन इज द एक्ट एम टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर. सो इस एक्ट का एम है कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना. देन सेकेंड इज टू मेक प्रोविजन्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स. कंज्यूमर काउंसिल्स को बनाने का प्रोविजन है इस एक्ट में एंड अदर अथॉरिटी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट. जैसे कि नए एक्ट में ये जो नई अथॉरिटी CCPA जो नई रेगुलेटरी अथॉरिटी सेट की गई है, बनाई गई है कंज्यूमर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, तो इस तरह की अथॉरिटीज बनानी चाहिए फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स. देन टू सेट अप क्वासी जुडिशियल मशीनरी फॉर स्पीडी एंड करेक्ट रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट. सो क्वासी जुडिशियल मशीनरी होती है जिनको हम कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं. तो इस तरह की मशीनरी जैसे कि इंडिया में नेशनल डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, वहाँ पे जाके कंज्यूमर जो है जिनके साथ गलत हुआ है कुछ, जिनके साथ कोई अनरिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या फिर उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो वो इन जगह पे जाके अपनी जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं और उनको की जो डिस्प्यूट है उनको सेटल किया जाए. तो यही ऑब्जेक्टिव है. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का कि मशीनरी एक स्ट्रॉन्ग जो है कंज्यूमर को प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए जिससे कि वो अपनी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सेटल कर सके. सो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के. आगे हम पढ़ते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर्स को कौन कौन से राइट्स हैं, कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स हैं. सो अंडर द एक्ट कंज्यूमर्स हैव सिक्स मेन राइट्स विच आर लिस्टेड एज फॉलोज. सो फर्स्ट वन इज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो ये राइट है कंज्यूमर के पास कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए. किससे प्रोटेक्ट किया जाए, ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो कि उनकी लाइफ के लिए या उनकी प्रॉपर्टी के लिए हजार्डियस है, जो उनकी लाइफ थ्रेटनिंग है, जो उनकी लाइफ के लिए या जो उनकी प्रॉपर्टी के लिए गलत है, ऐसे गुड्स से या सर्विसेज से उनको प्रोटेक्ट किया जाए. उनके पास ये उनका ये राइट है कि उनको प्रोटेक्शन मिले. देन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट द क्वालिटी क्वांटिटी पोटेंसी प्योरिटी स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज द केस मे बी सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. उनको राइट उनको अधिकार है कि उनको जानकारी मिले प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, तो सो दैट कि वो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. इन्फॉर्म्ड होने का भी उनको राइट है, उनको बताया जाना चाहिए. Then the right to be assured wherever possible access to a variety of goods, products or services at competitive prices. उनके पास right है कि वो different variety की goods and services को access करे और जो goods और जो products या services उनको ठीक लगते हैं, price के according सही लगते हैं या quality के wise उनको सही लगते हैं, वो उन goods and services को purchase कर सके या avail कर सके. ये उनका right है कि वो डिफरेंट वैरायटी गुड्स को एक्सेस करे और देन फाइनली वो डिसीजन ले कि उनको क्या परचेज करना है. देन राइट टू बी हर्ड एंड टू बी अश्योर्ड दैट द कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फर्म. उनके पास अधिकार है कि उनको सुने जाना चाहिए कि मतलब जो ये काउंसिल्स है, ये जो कोर्ट बनाई है, ये उनको सुने और उनकी जो ग्रीवेंसीज है उनको, उनकी जो उनके डिस्प्यूट है उनको प्रॉपर कंसिडरेशन दे, उनको सुने उनकी प्रॉब्लम्स को. देन राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. उनके पास ये राइट है कि अगर उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या उनके साथ कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कोई उनका उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उनको इंसाफ मिले, उनका उनकी जो डिस्प्यूट है उनको उनको रिड्रेस किया जाए. एंड द राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस और एजुकेशन. उनको राइट है कि उनको एजुकेट किया जाए कि उनके पास क्या राइट्स है, और ठीक है, तो उनकी एजुकेशन को, उनकी अवेयरनेस का भी उनको राइट है कि उनको
गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है वो अवेयर करे उनके राइट्स के बारे में. सो दीज आर द सिक्स राइट्स विच द कंज्यूमर्स अवेल. आगे हम पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में. तो क्या होती है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स? सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स आर एडवाइजरी बॉडीज़. ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, ये एडवाइजरी बॉडीज़ होती है. ये कंज्यूमर्स को सलाह देती है कि अगर उनके साथ कोई इस तरह की प्रैक्टिस हो गई है तो उनको क्या करना है, किस कोर्ट में जाके कंप्लेंट करनी है. तो इस तरह की ये जो काउंसिल्स हैं, ये जो काउंसिल्स है ये उनको एडवाइस करती है. सो इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट थ्री लेवल्स. तीन लेवल पर ये काउंसिल्स जो है वो इस्टैब्लिश की गई है. फर्स्ट इज़ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. देन जो सेंट्रल लेवल पे काउंसिल है उनको सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहा जाता है. देन स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो स्टेट लेवल पे इस्टेब्लिश की गई है. देन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. तो काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है उनको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहा जाता है. अब इन काउंसिल्स के बारे में हम एक एक करके जानते हैं क्या होती है ये काउंसिल्स. तो फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इस्टैब्लिशमेंट कैसे होती है इनकी इस्टैब्लिशमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टैब्लिश ए काउंसिल टू बी नोन एज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो शैल बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन होता है ऑफिशियल ऑर्डर. तो एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये काउंसिल को इस्टैब्लिश करती है जिसको कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहा जाता है. क्या कौन होते हैं इनके मेंबर्स? सो द सेंट्रल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. फर्स्ट इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी इट्स चेयरमैन. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर इंचार्ज होता है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इस काउंसिल का चेयरमैन होता है. देन सच मेंबर्स ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. और अदर मेंबर्स जो कि ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल अदर मेंबर्स जो है जिनका कि इंटरेस्ट होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं. देन अकॉर्डिंग टू रूल 3 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 1987 द सेंट्रल काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ 150 मेंबर्स. सो इस रूल के अकॉर्डिंग सेंट्रल काउंसिल में 150 मेंबर जो है वो 150 मेंबर्स जो है वो होने चाहिए. देन अब पढ़ते हैं टर्म ऑफ काउंसिल. कितने साल के लिए काउंसिल बनाई जाती है? द टर्म ऑफ काउंसिल शैल बी 3 years. 3 साल के लिए काउंसिल बनाई जाती है, उसके बाद इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. देन प्रोसीजर फॉर मीटिंग. अब ये काउंसिल जो है उनकी कैसे मीटिंग करती है? सो फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एज एंड वेन इट इज़ नेसेसरी. जब भी इनको काउंसिल को लगे कि इनको मीटिंग करनी चाहिए ये मीटिंग करती है. बट एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर. बट साल में कम से कम एक मीटिंग होना ज़रूरी है. Then the Central Council shall meet at each such time and place as the chairman may think fit. Central Council जो इसका chairman है वो इसका time, इस meeting को करने का time और कहाँ ये meeting की जाएगी, किस place पर की जाएगी, ये जो Central Council का जो chairman होता है वो fix करता है. And shall observe such procedure in regard to transaction of its business as may be प्रिस्क्राइब्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ये मीटिंग होनी चाहिए, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके ये मीटिंग की जाती है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंट्रल काउंसिल के. अब इस सेंट्रल काउंसिल के ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स लेके ये सेंट्रल काउंसिल चलती है? सो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल बी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द कंज्यूमर सच एज. तो ये जो ऑब्जेक्ट है सेंट्रल काउंसिल्स के, ये है कि कंज्यूमर्स के राइट को प्रमोट करना, उनको प्रोटेक्ट करना. और इसमें ये आप देखोगे कि यही वो कि यहाँ पे वही 6 राइट्स है जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाए हैं. तो ये यहाँ पे वही सेम जो चीज़ है वो रिपीट हो जाएगी. तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही, आप जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है आप ये वही चीज़ है. तो मैं इसलिए आगे चलती हूँ. अब तो ये देखिए ये वही 6 राइट्स हैं लर्नर्स. जैसे मैं आपको जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रही हूँ इन काउंसिल्स के बारे में, एग्ज़ाम में अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. सो सेंट्रल काउंसिल के बाद अब आती है स्टेट काउंसिल. सो द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. सो इसकी इस्टैब्लिशमेंट कैसे होती है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टैब्लिश ए काउंसिल
टू बी नोन एज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल ऑर्डर निकाल के ये काउंसिल जो है इसको बनाती है, इसको इस्टेब्लिश करती है, और इसको स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कहा जाता है. मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इस काउंसिल में? द स्टेट काउंसिल शेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स. सो फर्स्ट वन इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट शेल बी इट्स चेयरमैन. तो जैसे मैंने बताया था कि सेंट्रल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर इंचार्ज होता है वो उसका चेयरमैन होता है, इसी तरह स्टेट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का मिनिस्टर इंचार्ज होता है, किसी स्टेट में कंज्यूमर अफेयर्स का जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है वो स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है. देन सच मेंबर्स ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. और उसके अलावा अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जिनका कि इन इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट होता है, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं. सच मेंबर्स ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10 एज नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. और इन ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की लिमिट 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. देन मीटिंग्स, तो कैसे मीटिंग्स होती है स्टेट काउंसिल की? द स्टेट काउंसिल शेल मीट एज एंड वेन इट इज़ नेसेसरी. जब उनको लगेगा कि मीटिंग करनी है वो मीटिंग करते हैं, बट एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल शेल बी हेल्ड एवरी ईयर. स्टेट काउंसिल में कम से कम साल में 2 मीटिंग करना ज़रूरी है. द स्टेट काउंसिल शेल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन मे थिंक फिट. तो टाइम और प्लेस जो है वो चेयरमैन डिसाइड करता है कि किस टाइम पे मीटिंग होगी और किस जगह पे मीटिंग होगी, ये चेयरमैन डिसाइड करता है. एंड शेल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर इन रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. और कैसे ये मीटिंग क्या प्रोसीजर होना चाहिए इस मीटिंग का, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है. Then है object of the state council. So the object of state council shall be to promote and protect the right of the consumer. So इसका भी state council का भी यही होता है object कि state के जो consumers हैं उनके right को protect करना, promote करना, और इसमें भी वही same 6 rights जो है वो आपको लिखने हैं. वो मैंने पहले explain कर दिए, दोबारा से explain नहीं करूँगी. इसमें भी वही, जब आपको exam में question आएगा तो इसमें भी आप वही same जो 6 rights हैं उनको explain कर देंगे. नेक्स्ट जो है काउंसिल वो है द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. सो इसकी इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं. द प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वॉज मेड बाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002. सो ये जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है ये 2002 में इस्टेब्लिश की गई थी. पहले 2002 से पहले बस स्टेट कमीशन और नेशनल काउंसिल होती थी. ये जो नई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये 2002 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को भी ऐड किया गया. द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश ए काउंसिल टू बी नोन एज डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को इस्टेब्लिश करता है बाय नोटिफिकेशन. एक ऑफिशियल ऑर्डर ये निकालते हैं और फिर उसके बाद ये काउंसिल जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है. देन मेंबर्स, तो इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हु शैल बी इट्स चेयरमैन. जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है वो इस काउंसिल का चेयरमैन होता है. एंड सच नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. और अदर मेंबर्स ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल जिनका कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंटरेस्ट होता है वो इसके मेंबर होते हैं. देन मीटिंग, किस तरह से मीटिंग होती है इन काउंसिल्स में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में? द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेल मीट एज एंड वेन इट इज़ नेसेसरी. जब ज़रूरी हो तब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो मीटिंग कंडक्ट करती है. बट एटलीस्ट 2 मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल शेल बी हेल्ड एवरी ईयर. बट कम से कम 2 मीटिंग, एक साल में 2 मीटिंग करना जो है वो ज़रूरी है. द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन मे थिंक. किस टाइम पे ये मीटिंग होगी या किस जगह पे मीटिंग होगी ये जो चेयरमैन है काउंसिल का वही डिसाइड करता है, और उसी प्रोसीजर से की जाती है, उसी जो प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होता है. देन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी यही सेम ऑब्जेक्ट होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, और इसमें भी वही सेम 6 जो राइट्स है कंज्यूमर के वो रिपीट हो जाएंगे. तो
कंज्यूमर दिस इज सो लर्नर्स दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. थैंक यू.